जी की जय। जय 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 बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय 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 बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ समाधान करता भावना युक्त प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनि संघ की जय। जय जय प्रिय बंधुओं शीतलनाथ भगवान के त्रय कर्णायकों से पूजित यह भूमि जहां इस विदिशा नगर में आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान। इस कार्यक्रम में जो भी लोग यहां पर जुड़े हैं जो कि पारस चैनल जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पर चलते हैं मुनि संघ के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के मेरे साथ आप सभी शामिल हो जाएं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपको विदित ही है बंधुओं आज से ही प्रारंभ हो गया है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जिसमें पूज्य श्री के समूचे संघ का सानिध्य यहाँ पर उपस्थित है और आप देख रहे हैं कि कितने लोग इंदौर से यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मंगल भावना लेकर के आए हैं कि इस वर्ष का पावन वर्ष आयोग कहाँ हो। कोई कह रहा है इंदौर में हो कोई कह रहा है भोपाल में हो और विदिशा वाले कह रहे हैं कि इंदौर में तब हो जब यहाँ से जाएं। ये पता नहीं किसकी लाटरी खुलने वाली है ये तो पूज्य श्री के आशीर्वाद से ही अपन सबको पता लगेगा पर इंदौर वालों का पल्ला तो भारी है इस बार पक्के में भारी है। मैं चलता हूँ पूज्य मुनि श्री के चरणों में पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करती हुई निवेदन कर रहा हूँ कि भो स्वामी आपके मुखारविंद से संघ का समाधान के सदस्य का शुभारंभ हो। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी। हाँ। भैया जी का भी मन इंदौर जाने का ही है। हाँ। चलो अभी जैसा कि आपको बताया आज इंदौर से काफी मात्रा में भक्तगण और श्रद्धालुगण अपनी श्रद्धा का छोटा श्रीफल नहीं बड़ा श्रीफल लेकर आए हैं और वे सब खड़े हो जाएंगे भरत मोदी जी के नेतृत्व भरत कुसुम जी मोदी अशोक जी रानी दोषी जो गुणायतन के संरक्षक हैं मनोज जी बातलीवाल शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के स्मृत जी गांधी जिनेश जी झांझरी धर्मेंद्र जी जैन मनीष जी नायक आलो जी जैन हर्ष जैन मनोज जी अनामिका ये सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे और अनामिका जो है अर्घ बोलते हुए अपनी बात को संक्षेप में रखेंगे ताकि अपन अधिक से अधिक मुनि श्री जी को गुरुवर को अधिक से अधिक सुन सकें और उनका लाभ ले सकें। चलिए सभी भरत जी मुझे इनको दीजिए इनके साथ पवन सिंह जी और धर्मेंद्र जी सिंह अक्षय कासलीवाल सभी आ जाएंगे पूरे जितने भी इंदौर से आए वे सभी अपने स्थान खड़े हो जाएंगे। इधर देख रहा हूँ आश्रम की दीदियां भी यहाँ पर उपस्थित है वे भी ले जाना चाह रही है सब एक जगह। हाँ बैठकर हाथों का श्रीफल बना ले महाराज जी। हाँ अभय भैया जी भी जहाँ हो कृपया आगे आए और हमारे इंदौर से जितने भी सावकगण आए एक बार जोरदार जयकारे के साथ जयकारा गुरुदेव का। बहुत बढ़िया अनामिका। जिनका विरागमय है जीवन आगम प्रमाण की मूरत है ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है भावों की सेज सजा करके उस पर तुमको पधराएंगे गुरुवर प्रमाण सागर ससंग चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। ओम सताष्ट सूरी विद्या सागर जी मुनिन्द्र तिनके शिष्य श्री प्रमाण सागर जी मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी मुनिन्द्राय तिनके चरणारविंद में चातुर्मास हेतु निवेदनार्थ श्रीफल सहितम अर्घम समर्पयामि स्वाहा। हे गुरुदेव और हे गुरुदेव मैं समस्त इंदौर वासियों की ओर से आपके श्री चरणों में निवेदन करती हूँ कि वर्ष 2024 का चातुर्मासिक प्रवास इंदौर शहर को प्राप्त हो सौभाग्य मिले आपका वात्सल्य आपका मार्गदर्शन इंदौर वासियों को प्राप्त हो धर्म की और ज्ञान की ऐसी गंगा बहे कि पूरा इंदौर उसमें रच बस जाए। बस एक ही बात कहूंगा कि गुरुदेव अब की बार इंदौर को इग्नोर मत करना इंदौर को
इग्नोर मत करना, मत करना, मत करना। अशोक जी दूसरी भी अपनी जो है बात कर रहे हैं, बाकी लोग बैठ जाएं और वही प्रश्न भी करेंगे अपने भरत मोदी जी के साथ में। भरत मोदी जी हैं और अशोक रानी दोषी, विनोद किरण दोषी, हंसमुख जी गांधी एक साथ यहां पर रहेंगे और एक प्रश्न भी कर लेंगे और अपनी बात भी करेंगे। मुनि संघ के चरणों में सत सत वंदन। पूरे शहर इंदौर समाज की ओर से महाराज श्री और महाराज श्री के सह संघ उनके चरणों में सत सत वंदन करता हूँ। महाराज श्री इंदौर शहर भारत वर्ष में सबसे स्वच्छ शहर है। बाहर 7 स्टार रेटिंग है, मतलब 7 स्टार क्लीन सिटी ये इंदौर में नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो स्वच्छता है महाराज श्री, ये बाहरी है, मतलब जितनी पब्लिक प्लेस है उसकी अच्छी सफाई होती है, इस कारण भारत सरकार उसको रेटिंग देती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी आंतरिक सफाई, जो हमारा मन मस्तिष्क हृदय हमारी आत्मा, उसके उसकी स्वच्छता कब होगी? जब आपका वर्षा योग आप इंदौर में स्थापना करेंगे तो निश्चित रूप से हमें ऐसा योग बनेगा कि हम, हो सकता है भारतवर्ष में हमारी अंदर की स्वच्छता से भी हम प्रथम स्थान पा सकेंगे। ऐसा सभी श्रावकों की ओर से, पूरे शहर इंदौर की ओर से मैं आपको विनयपूर्वक अनुनयपूर्वक निवेदन करता हूं कि आप अगला चतुर्मास जो भी है उसको जो ये निश्चित 2024 का चतुर्मास आप इंदौर शहर में निश्चित करें। दूसरा एक बात यह भी है कि मैं इंदौर समाज की ओर से जैन समाज विदिशा को और मणिधर परिवार को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि आपके कारण महाराज श्री कुंडलपुर से चल के आए हैं। हो सकता है अगला वर्षा योग का भोपाल या इंदौर, जहाँ भी चतुर्मास बनेगा, दोनों को लाभ मिलेगा। पूरा भोपाल को मिलेगा, बाद में इंदौर को तो पूरा मिलने वाला ही है, ऐसा मेरा अनुमान है। अब महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है संबंधों को लेकर कि आज के ज़माने में संबंध बनाना बड़ा आसान है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। आज के ज़माने में संबंध, आज के जीवन में संबंध कई तरह के होते हैं, जैसे भाई भाई, पति पत्नी, भाई भाई, पत्या पुत्र, सब होते हैं। लेकिन एक गुरु का और एक श्रावक का, जैसे हम लोग हैं, उनका भी एक संबंध होता है। तो इन संबंधों में महाराज श्री, जो गुरु और श्रावक का संबंध है, उसमें हम जीवन में संबंध कई तरह के होते हैं, लेकिन इस संबंधों में जान जीवन कैसे डालें, कृपया समाधान करें। ओ भरत जी भी कुछ बोलेंगे क्या? बोल दो संक्षेप में। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु। मेरी आपसे यही विनती है महाराज कि इंदौर का 40 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आओ इंदौर जरूर पधारिए और वहाँ पर आप चतुर्मास करिए, इंदौर में करिए। इंदौर का एक एक नागरिक आपका इंतजार कर रहा है महाराज। देखिए सबसे पहले तो आपके निवेदन की बात, स्वच्छता, चतुर्मास का समय निकट आता है, निवेदनों का दौर शुरू हो जाता और सबको पता है आपने भगवान के लिए मंदिर में बिठा दिया, शास्त्र के लिए शास्त्र भंडार बना लिए, लेकिन गुरुओं पर आप लोगों का जोर नहीं चला, नहीं तो गुरुओं को भी कहीं मठ बना के बिठा दिया। लेकिन आप लोग होशियार हो, आपको पता है बाकी टाइम का तो ठिकाना नहीं, पर चतुर्मास तो फिक्स है, आगम की आज्ञा से बंधे हैं। तो जब वो बंधे हैं तो क्यों ना हम लोग उनको बांध ले, और शायद इसी प्रयास से, इसी भाव से सभी लोग जब भी चातुर्मास का समय निकट आता है अपने अपने नगर गांव में चातुर्मास करने के लिए आतुर और उत्साहित हो जाते हैं, और उसी क्रम में आज पूरा इंदौर भी बहुत आतुर दिखाई पड़ रहा है। कई दिनों से इंदौर के लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भावना भाइये अभी समय है, लेकिन आपने कहा इंदौर बड़ा स्वच्छ शहर है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सबके हृदय में बाहरी स्वच्छता के साथ साथ भीतर की स्वच्छता का मनोभाव जगा है, और हमें यही प्रयास करना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि कहीं के भी लोग आते हैं निवेदनार्थ, महाराज आप चलो तो हमारे यहाँ का ये काम हो जाएगा, हमारे यहाँ का वो काम हो जाएगा, ये निवेदन तो सब करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं आप आ जाओ तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आपने स्वच्छता की बात की है जो मुझे बेहद पसंद है। बस मैं यही कहता हूँ, कहता क्या हूँ, इतना जानता हूँ, जानता क्या हूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि स्वच्छ मन से जो भावना भाई जाती है वह जरूर पूरी होती है। आप लोग स्वच्छ मन से अपनी भावना भाते रहिए, अगर आपकी भावना सच्ची होगी
तो फिर कोई संशय की बात नहीं है। इंदौर वालों के लिए दो पंक्तियों में मैं अपनी बात पूरी करूंगा और साथ ही एक संदेश भी दूंगा कि इंदौर बड़ा है, आप अपनी एकजुटता बना के रखिए और ऐसी भावना भाई है कि आपकी भावना पूरी हो जाए। और उसके लिए दो पंक्तियाँ एक संदेश के रूप में कि एक न एक समा जलाए रखिए, एक न एक समा जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी माहौल बनाए रखिए। गुरुदेव का वो माहौल बनाए रखना आपका काम है, बाकी आपका भाग। सभी को आशीर्वाद। अच्छा, आपका सवाल तो रह गया, वो तो निवेदन था मेरा। अच्छा, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। हमारे संबंध बनाते बहुत आसानी से, निभाने में बहुत कठिनाई होती है। और इन्हीं संबंधों में एक गुरु या साधु और श्रद्धालु या श्रावक के मध्य का संबंध क्या होता है? देखिए दो शब्द हैं, एक है संबंध और एक है संपर्क, दोनों बड़ा अंतर है। संपर्क सतही होता है, संबंध आंतरिक होता है। प्रायः हम जिसे संबंध मानते हैं वो संबंध कम, संपर्क ज़्यादा होता है। जब हम केवल भौतिक स्तर पर किसी के साथ जुड़ते हैं तो वह संपर्क बनता है, और जब हम आंतरिक स्तर पर किसी के साथ जुड़ते हैं तो संबंध बनता है। अगर आंतरिक स्तर से हम किसी के साथ जुड़े हैं तो हमारी स्थिति दूध और पानी की तरह एकमेक हो जाती है, फिर निभाने की बात नहीं, निभती है। और जब बाहरी स्तर पर हम जुड़ते हैं तो हमारी स्थिति तेल और पानी की होती है, जो साथ रह कर के भी अपनी अलग पहचान बनाए रखते। तो किसी के साथ भी संबंध बनाओ, संपर्क नहीं। और गुरुओं के साथ मैं तो कहता अपने जीवन में जिनके साथ भी तुम्हारा नाता है संबंध होना चाहिए, संपर्क नहीं। और गुरुओं के साथ संबंध और संपर्क ही नहीं, समर्पण होना चाहिए। समर्पण, संबंध में एक दूसरे के साथ हिल मिल के जिया जाता है और समर्पण में केवल सामने वाले के लिए जिया जाता है। जो एक दूसरे से हिल मिल करके जिएगा वो संबंध होगा, आत्मीयता प्रगाढ़ता होगी। लेकिन समर्पण में आत्मीयता नहीं, भक्ति का अंश होता है। और जब भक्ति होती, हृदय में समर्पण होता है तो व्यक्ति निज के लिए नहीं, सामने वाले के लिए जीता है। और जो इस तरह का जीवन जीना शुरू कर देता है उसका काया पलट हो जाता है। नमस्ते। अपने बीच में जो कल से पंच कल्याण होना जा रहा है उसके प्रतिष्ठाचार्य अभय भैया जी भी यहाँ पर आ गए हैं और जल्दी वे भी अपनी बात संक्षेप में, क्योंकि सारे इंदौर वाले ही चाह रहे थे अभय भैया जी कहाँ हैं, लेकिन कल से पंच कल्याण के नेतृत्व में होना है और ये वहाँ स्थान के ऊपर ही थे, तुरंत आए हैं। परम पूज मुनिवर के श्री चरण में कोटिशन नमन। गुरुवर, आज तक तो मेरे जितने भी चातुर्मास हुए हैं उस चातुर्मास में जो भी आयोजन हुए हैं उन आयोजन में साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन अब इंदौर जैन समाज की ओर से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आपका चातुर्मास हुआ वहाँ पहुँचा, लेकिन इंदौर समाज की ओर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाला चातुर्मास आपका इंदौर में हो और चार महीने तक आपके साथ रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, ये निवेदन कर रहा हूँ। और यही चाहता हूँ गुरुवर कि आप इंदौर समाज को ऐसा आशीर्वाद दें कि इंदौर स्वच्छ भारत में सेवन स्टार में आया है और ये चातुर्मास पूरे भारतवर्ष में ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ संपन्न हो, ये आशीर्वाद चाहूंगा। चलो आगे। पूज्य महाराज श्री जी न केवल जैनियों के संत हैं गुरुवर, अपितु जन जन के संत हैं। और आज आप देख भी रहे हैं, आज ही नहीं संकट समाधान का ये कार्यक्रम हो चाहे प्रवचन हो,
जैनियों से भी ज्यादा जैनेत्र लोग भी प्रतिदिन नियमित रूप से सुनते हैं, टीवी पर टकटकी लगाकर बैठे रहते हैं कि कब महाराज जी का प्रवचन आएगा। बस ये तो इस प्रकार से आज अपने बीच में यहाँ विदिशा नगर की जानी मानी हस्तियां यहाँ पर बहुत सारी हैं और आज वो संकट समाधान के सत्र में उनके लिए भी विशेष एक कोटा दिया गया है और उसके तहत वो अपने प्रश्न रखेंगे। मैं चाहूंगा समय को बचाते हुए अब वो कमेटी वाले भी उनको कुछ यहाँ पूज्य महाराज श्री का साहित्य भी देना चाह रहे हैं तो वे वहीं जाकर दे देंगे, जब प्रश्न समाप्त हो जाएगा तब तिलक कर देंगे और ये साहित्य दे देंगे और साथ में ही वो अपना प्रश्न यहाँ रखेंगे, जिनका नाम बोलूंगा वो अपने स्थान खड़े हो जाएंगे जहाँ माइक पहुंच सके उन तक। श्री सचिन जी तिवारी अध्यक्ष प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं यहाँ विदिशा के, वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वो अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में रखें। उसके बाद में श्री श्याम सुंदर जी शर्मा जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाजपा के यहाँ पूरे प्रदेश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर जी शर्मा तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। गुरुवर मेरा तो बस प्रश्न जवाब तो होते रहेंगे, निवेदन आपसे एक ही है, इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है, सर्वाधिक आवश्यकता आपकी विदिशा में है, चतुर्मास आप विदिशा में निकलें और ज्ञान से और विदिशा की सूखी पड़ी बेतबा प्रकृति और पर्यावरण के लिए आप रुकेंगे तो निश्चित विदिशा का भला होगा और विदिशा में अच्छा माहौल होगा आपके रुकने से। मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि चतुर्मास आप विदिशा में निकालें। बहुत सुंदर, चलिए अगला समिति वहीं जाकर स्वागत कर दी। श्री श्याम सुंदर जी शर्मा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री उमेश जी शर्मा जो बचपन बचाओ आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। महाराज जी को नमोस्तु, श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, मुझे आज आपके बीच में आकर के वास्तव में अपने आप को शब्द नहीं है मैं जो कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय बाद आपके बीच में आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे संतों की आज समाज को आवश्यकता है। और अभी हमारे आदरणीय महाराज जी ने बोला था कि मुनि जी महाराज जैन समाज के संत नहीं जन जन के संत हैं। मेरी भी यही अभिलाषा है कि जैन समाज के संत जन जन के संत बने तो निश्चित रूप से सनातन धर्म का तो उद्धार होगा ही, विश्व का कल्याण होगा, भारत का कल्याण होगा और मानव का कल्याण होगा, निश्चित रूप से ऐसा मैं मानता हूँ। तो महाराज जी मेरा प्रश्न भी यही है कि जैन समाज को जन जन का समाज बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, जैन समाज को जन जन का और जैन धर्म को जन धर्म बना, खड़े रहे आप 2 मिनट, जन धर्म बनाने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, हमें एक बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि जैन शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है, जैन शब्द गुणवाचक शब्द है। जो जिन से बना है, जो अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीत ले वो जिन है और जिन के अनुयायी जैन हैं, ये कोई भी बन सकता है। हम जैन धर्म में प्रतिपादित जीवन मूल्यों को जो जैन धर्म का मूल आधार तत्व है जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। प्रायः लोगों के मन में जैन समाज और जैन धर्म के प्रति एक भ्रांत धारणा बनी हुई, जैन समाज के प्रति ये धारणा है कि जैनी लोग जैन समाज पूंजीपतियों का समाज है और जैन धर्म के प्रति एक भ्रांत धारणा है कि जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है। मैं समझता हूँ ये दोनों बातें सही नहीं। जैन संपन्न जरूर हैं लेकिन जैन कहीं शोषक नहीं बने। जैनियों के इतिहास को पलट करके देखें तो जैनियों ने जन कल्याण के जितने उपक्रम चलाए हैं जनसंख्या के अनुपात से वो कम नहीं है, और आज से नहीं हमेशा से वो जितनी संपन्न है उतनी ही उदार समाज है। तो काश हमने जैनियों की उदारता को लोगों तक पहुंचाया होता तो लोगों का जैनों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता,
जैन समाज वो समाज है जिसने भामा शाह जैसे नररत्न को दिए, जिसने जगड़ू शाह जैसे नररत्न को दिए, जिसने टोडर मल जैसे नररत्न को दिए, जिसने हमारी संस्कृति पर आए आघात पर अपना सारा खजाना लुटा दिया। ये उदाहरण इकलौता जैन समाज का मिलता है। ये जैनों की उदार वृत्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी तरह जब हम जैनचर्या की बात करते हैं तो लोगों के बीच बहुत त्याग तप की बात आती है। ये बात ध्यान रखने की है, जैन साधु त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति होते हैं, लेकिन जैन धर्म कठोर धर्म नहीं, जैन धर्म सरलतम धर्म है, क्योंकि वो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, करुणा और प्रमोद भाव से भर करके जीने की बात करता है। जो सारे संसार को क्षमा, मृदुता, सरलता, संतोष जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। हर स्तर का व्यक्ति जैन धर्म का पालन कर सकता है। संसार में एकमात्र जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें जीवन मूल्यों की पूजा होती है। जैन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ पर्व है पर्युषण पर्व। 10 लक्षण के 10 दिनों में किसी तीर्थंकर की उपासना नहीं होती। उन 10 दिनों में हम आराधना करते हैं क्षमा की, मृदुता की, सरलता की, संतोष की, सत्य की, संयम की, तप की, त्याग की, ममत्व रहितता की और ब्रह्मचर्य की। ये उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा करने वाला संसार का इकलौता धर्म है। हम लोगों को बताएं, अगर इनको कोई भी आत्मसात कर ले वो जैन हो जाएगा, भले शर्मा लिखा हो, कोई जरूरत नहीं। नाम के आगे जैन लिखने से जैन होता नहीं, जिसके काम में जैन जुड़ जाए वो जैन कहलाता है। इसलिए हमें इसे प्रचार करना है और जैन धर्म को जन धर्म बनाने का प्रयत्न करना है। श्री महेंद्र जी वर्मा जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता जो कायस्थ समाज के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। लीजिए आगे। नमस्तु। और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती अनुभाजी जैन जो SDM है लटेरी की। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करता हूँ। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमन करते हुए महाराज श्री ने अभी त्याग, तपस्या, प्रेम, करुणा, क्षमा जैसे शब्दों को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया। मैं सिर्फ उनसे चाहता हूँ कि सत्य, अहिंसा, अस्थे, एकांत सेवन, अपरिग्रह जैसे महात्मा गांधी ने जो सिद्धांत इस देश को दिए थे, बहुत भाषाओं में, बोलचाल की भाषाओं में सुने जाते हैं, लेकिन उनको सही आप परिभाषित करके अगर हमको बताएंगे तो हम शायद कृतार्थ होंगे। बहुत 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 अच्छी बात। देखिए, चाहे गांधी जी की बात हो, चाहे जैन धर्म की बात हो, सबका मूल आधार एक है और जैन धर्म ने हमेशा अहिंसा, सत्य, अचर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे व्रतों के अनुपालन की बात की और इसके बिना हमारा जीवन व्यवहार नहीं चल सकता। हिंसा किसी को प्रिय नहीं। आपने जो बात कही, मैं अत्यंत संक्षेप में एक कहानी सुना करके बात करना चाहूंगा। बहुत पुरानी कहानी आज मुझे याद आई। एक छोटी सी बच्ची ने एक मुनि महाराज से 5 अनुव्रत ले लिए। जब उन्होंने व्रत लिया तो जैसा अक्सर होता है, माँ बाप को पछती नहीं, वो बच्ची को डांटने लगे कि तुमने ये व्रत क्यों लिए। बच्ची ने कुछ नहीं कहा। रास्ते में चली तो देखा कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे और एक व्यक्ति को बुरी तरह पीट रहे थे। पीटते देखा तो उसके पिता ने जाकर उनका बीच बचाव किया। लौटने पर बेटी ने पूछा, पापा आप क्यों गए। बोले, वो झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है, वो हिंसा पे उतारू थे, मैंने उन्हें दूर किया। बोले, पापा हिंसा से उतारू थे तो आपने दूर क्यों किया। बेटी, हिंसा अच्छी बात नहीं। तो पापा, मैंने यही तो किया है, मैंने अहिंसा अनुव्रत लिया, यानी हिंसा ही तो छोड़ा है, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे। आगे बढ़े तो देखा
कि एक आदमी की लिए जूते चप्पल की माला पहनाकर मुंह काला करके ले जा रहे थे। पूछा कि पापा इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। पूछताछ करने पर मालूम पड़ा इस आदमी ने चोरी की और व्यभिचार किया है, इसलिए इसका ऐसा कृत्य हो रहा है, इसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो बेटे ने कहा, पापा फिर तो मैंने बहुत अच्छा ही किया, मैंने सत्य बोलने का नियम लिया, मैंने चोरी का त्याग दिया और सील का पालन किया, तो इसमें बुरा क्या है। फिर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो बड़ा सेठ था और उसकी संपत्ति की चोरी हो गई और चोरी होने से वो छाती पीट पीट करके रो रहा था, उसकी स्थिति बहुत भयानक थी। बेटी ने पूछा, पापा ये क्यों रो रहा है। बोले इसके संपत्ति की चोरी हो गई, ये बहुत बेचैन है। तो उसने कहा, पापा ये तो फिर मैंने अच्छा ही किया कि मैंने अपने परिग्रह की सीमा कर ली ताकि चोरी जाए तो कोई दिक्कत ना हो, मैंने क्या बुरा किया। मैं समझता हूँ ये कहानी आपको भी बताती, सबको समझाती, अनुव्रतों से जीवन की सुरक्षा होगी। जब तक मनुष्य व्रतों की सीमा में नहीं बंधता, अपनी वृत्तियों का परिष्कार नहीं कर सकता। तो वृत्तियों के परिष्कार के लिए व्रतों की रक्षा बहुत जरूरी। श्रीमती अनुभा जैन, उनके साथ में उनके पतिदेव भी यहाँ पर नितिन जैन भी उपस्थित है, SDM लटेरी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पवन जी सिंगई एवं पूरी टीम जो इंदौर से आए हैं, राजू अलवेला उनके साथ में रहेंगे। महाराज जी नमोस्तु। इंदौर जरूर स्वच्छता में नंबर वन है, लेकिन विदिशा पूरे मध्य प्रदेश में इकलौती ऐसी नगरी है जहाँ पर भगवान शीतलनाथ के चार चार कल्याणक हुए हैं। तो विदिशा को भारत के और विश्व के पटल पर पुनः स्थापित करने के लिए आपके चातुर्मास की बहुत आवश्यकता है, इसलिए निवेदन है कि आप विदिशा में चातुर्मास करें। महाराज जी मेरी शंका है कि निमित्त कर्मों के उपादान को किस हद तक टाल सकते हैं और बच्चों के संस्कारित होने में उनके पूर्वोपार्जित कर्म समाज परिवार का कितना योगदान होता है। देखिए निमित्त कर्मों को टालने की बात है, देखिए कर्म निमित्त बनता है, पर अगर हम उससे अप्रभावित रहें तो हम कर्म को भले न टालें पर उसके प्रभाव को टाल सकते। उदाहरण के लिए आपकी किसी ने निंदा की, आपका अपमान किया, ये आपके अशुभ कर्म का परिणाम हो सकता है। आपके अशुभ कर्म के परिणाम के निमित्त से सामने वाले के मन में दुर्भावना हुई और उस व्यक्ति ने या उन व्यक्तियों ने आपका अपमान किया, ये निमित्त से उत्पन्न परिणाम। लेकिन कोई कितना भी अपमान करे, मैं अपने आप को अपमानित महसूस करूं, ये मेरे मन की परिणति। कर्म ने अपना खेल दिखाया, लेकिन मैं उससे प्रभावित होता हूं या नहीं होता, ये मेरे ऊपर है। तो कैसा भी निमित्त आए, अगर हम अपने आप को उससे अप्रभावित रखने की कला विकसित कर ले तो कर्म हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाएगा, कर्माएगा और झड़ करके चला जाएगा। तो पहला वाक्य तो मैं ये कहूँगा, निमित्त के विषय में मत सोचो, क्योंकि निमित्त हमारे हाथ में नहीं है, नैमित्तिक हमारे हाथ में है। इसलिए नैमित्तिक पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, कोई मुझे कुछ ना कहे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कुछ भी क्यों ना कहे मैं उस पर ध्यान न दूं, उससे अप्रभावित रहूं, ये मेरे हाथ में। बच्चों के संस्कारों पर पूर्वोपार्जित कर्मों का असर पड़ता है। विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि हर बच्चे हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में हेरिडिटी का वंशानुगत जो प्रभाव होता है वो होता ही है, और इन्वायरमेंट का भी प्रभाव होता है। पूर्व कर्म काफ़ी हद तक हमें हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ से उसमें काफी कुछ परिवर्तन भी किया जा सके। ओम। पवन जी सिंगई अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं इंदौर से, और उनके साथ में धर्मेंद्र जी सिंह के अक्षय काशलीवाल आदि भी उपस्थित हैं यहाँ पर,
एक प्रश्न या दो प्रश्न करना है तो दो प्रश्न आप एक ही पूछ लो तो अच्छा है, एक कर लेंगे तो अच्छा रहेंगे, और एक बार टीम एक ही प्रश्न करे। समस्त मुनि संघ के चरणों में दिगंबर जैन परिवार समाज इंदौर की समस्त कार्यकारिणी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शंका का समाधान करने के लिए तो चतुर्मास के समय हमको बहुत समय मिलेगा, आज तो दिल में एक शंका है गुरुदेव, आपका बिहार इंदौर कैसे हो और हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, बस गुरुदेव एक शंका का समाधान चाहिए। जय जो चलो एक और कुछ धर्मेंद्र जी प्रश्न कर लो। हाँ नहीं सवाल है तो जल्दी पूछो, एक ही धर्मेंद्र को दो। धर्मेंद्र जी सिंह गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, एक आरिका जी का क्लिप देखा था कि आचार्य समंत भट्ट स्वामी जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ, तो वह किसके पाद मूल में हुआ, ये शंका का समाधान ऐसा है। आचार्य समंत भद्र महाराज के विषय में जुगल किशोर मुख्तार युगवीर ने लिखा है, लेकिन इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं, इसलिए इस विषय में कुछ ज्यादा प्रकाश डालना उचित नहीं। एक बस एक में गुरुदेव के चरणों में शशत नमन, विजयनगर दिगंबर जैन समाज की ओर से। इंदौर बोलो बाबा। हाँ हाँ गड़बड़ नहीं करो। हाँ इंदौर सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर की ओर से, और हम सब गुरुवर के साथ हैं, यही गुरुवर का आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहे। गुरुवर हमारी ये एक से बरसों से एक जिज्ञासा है कि धर्म में राजनीति करना कहाँ तक उचित है, राजनीति में धर्म तो समझ में आता है पर धर्म में राजनीति करना कहाँ तक उचित है, और समाज हित के कल्याण के लिए जो धर्म के शीर्ष पद पर बैठते हैं उनको क्या क्या समाज हित में आवश्यक कदम उठाना चाहिए और क्या ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। देखिए धर्म में राजनीति करना कितना अच्छा है, आपने कहा राजनीति में धर्म होना तो फिर भी ठीक है, मैं आपसे दो बातें कहता हूँ। हमारे देश में दो प्रकरण हैं, एक रामायण का और एक महाभारत का, कौन सा प्रकरण अच्छा लगता है, रामायण में रुचि है या महाभारत में? हाँ तो बस मैं इतना ही कहता हूँ, जब धर्म में राजनीति आती है, राजनीति जब धर्म से जुड़ती है तो रामायण की रचना होती है, और धर्म में जब राजनीति घुसती है तो महाभारत मच जाती है। हमें रामायण का आदर्श अपनाना है, महाभारत से बचना है, और जो धार्मिक सामाजिक कार्यों में लगे हैं उनको चाहिए कि वो धर्म नीति समाज नीति को साथ लेकर के चले, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अब बहुत लोग हैं तो इतने में ही संतोष करे तो अच्छा है। मनोज जी मुकेश जी बाजलीवाल अपनी टीम के साथ में वो भी तैयार रहेंगे, जो डुड़ाई तन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, और आप देखते हैं कर्म कार्यकर्ता पूरी टीम के साथ में आलोक भाई मनीष भाई जल्दी बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न जिज्ञासा है गुरुदेव कि हमें मनुष्य भव मिला, नर जन्म मिला, उत्तम कुल मिला, तो निश्चित ही पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए होंगे, धर्म किया होगा, तो ही हमको ये नर जन्म मिला। लेकिन इस भव में आने के बाद हम लोगों का धर्म में जैसे मन नहीं लगता, क्रिया सारी करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, लेकिन जो मन उसमें लगना चाहिए वो मन उसमें नहीं लगता, तो ऐसा क्या कारण है और उस कारण को दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल ये बहुत ही सत्य सही बात है कि हम लोगों को जो कुछ भी उपलब्ध हुआ ये कई जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको इस बात का एहसास है कि हमने दुर्लभ संयोग पाया है। अगर अपने जीवन की उपलब्धियों की दुर्लभता का एहसास हो तो शायद ऐसी अरुचि ना हो, लगे कि हमें इसे सहेज के रखना है। मुश्किल ये है कि हमें जितनी दुर्लभता से ये संयोग मिले हम उसे उतना ही सुलभ समझ बैठे और सुलभता से गंवा रहे, तो पहली बात तो उसकी दुर्लभता को समझें, और दूसरी बात दुर्लभता का एहसास होने के बाद भी भले हमें पुण्य के संयोगों से ये सब कुछ मिला लेकिन फिर भी पुरातन पाप का संस्कार कुछ ऐसा उछलता है
जो हमें खींच के ले जाता है और हमारा भावी पतन करा देता है। इसलिए अपने पुरातन पाप के संस्कार को नष्ट करने के लिए हमें सतत उद्यमशील रहना चाहिए और धर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। अजय जी जैन, ब्यूरो चीफ नई दुनिया यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। सुमित कुमार जी जैन, अरियंत बिहार कॉलोनी विदिशा। मनीष पूछो। हाँ मनीष, हाँ बोलो। महाराज जी बोलो। बहुत स्वाभाविक तौर पे बात कर रहा हूँ, संक्षेप में। निवेदन मत करना, आप सवाल कर लो, निवेदन तो बहुत हो गया। जैन धर्म संवेदनशील है। जीवन जीने की पद्धति में जैन धर्म का इस विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। उसके बावजूद भी जैनी लोग इतने सात्विक जीवन जीने के बाद, इतना हाइजेनिक होने के बाद भी कैंसर है, हार्ट अटैक है। ये केवल जैनों तक नहीं, जैसे जैसे मनुष्य जीवन जीने की पद्धति में सुधार कर रहा है, उसके बाद में अस्पतालों के कमरे कम पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है दोस्त, देखिए बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, बड़ा ज्वलंत विषय है। वर्तमान में जानलेवा बीमारियों का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी मूल वजह है आज के समय में बढ़ता हुआ प्रदूषण। आज हवा अशुद्ध हो गई, पानी जहरीला हो गया, अनाज और फल सब्जियां भी जहरीली हो गई, और जहर खाकर व्यक्ति कैसे सलामत होगा? सब चीज में तो वही रसायनों का प्रयोग हो रहा है। पानी पूरी तरह आर्सेनिक होता जा रहा है, हवा में विषाक्तता दिनों दिन बढ़ते जा रही है, पर्यावरण की रक्षा के प्रति किसी का ध्यान नहीं। आज से 3 दिन पहले पंकज ने एक सवाल उठाया था, मैंने कहा भी था कि लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, 5,00,000,000,000 वृक्षारोपण की आवश्यकता है पूरे संसार को, ऐसा UNO का कहना है, यही है ना? 5,00,000,000,000 पेड़ पूरे संसार में लगाने की जरूरत है। हम लोग रोना तो रोते हैं पर इलाज नहीं करते हैं। क्यों ना ऐसा अभियान हम सब लोग शुरू करें कि इस वर्ष मानसून आने के बाद भारत में 140 करोड़ लोग हैं, तो कम से कम हर व्यक्ति 10-10 पेड़ लगाने का आदर्श क्यों उपस्थित न करे? सब लोग मिलकर के कहे कि हमें वृक्ष लगाना है, वृक्ष सुरक्षित होंगे तब तो हम सुरक्षित होंगे। और दूसरी बात, रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग, पेस्टिसाइड आदि के प्रयोगों से हम बचें, जल स्रोतों को सुरक्षित रखें और प्राकृतिक जीवन जिएं, ताकि जो आपके जाकर के क्या कहते हैं उसको, ओजोन की लेयर है उसको हम बचा सकें, जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे बचाया जा सके, तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अनिल जी जैन, अजय जी जैन, ब्यूरो चीफ नई दुनिया, और उसके बाद में सुमित जी जैन, अरियंत बिहार विदिशा। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि आज का परिवेश जो है वो नंबरों की रेस में दौड़ रहा है, बच्चे जो है अंकों की दौड़ में लगे हुए हैं और माता पिता जो है अपने स्टेटस की दौड़ में है, तो यह सब जो दौड़ है हमारे समाज को किस दिशा में ले जाएगी और इस पर हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। देखिए, ये दौड़ तब तक बनी रहेगी जब तक आपको नौकरी की होड़ होगी। आजकल सबका एक ही लक्ष्य है, एक अदद नौकरी, और उसी नौकरी का लक्ष्य बनाकर आप अपने बच्चों को पूरी तरह पढ़ाई में लगाते हो, नर्सरी से ही आप उसको प्रतियोगिता में लगा देते हो और आगे चल करके वही इसका लक्ष्य। क्या करना है मुझे? MBA करना है। क्या करना है मुझे? IITN बनना है। क्या करना है मुझे? CA करना है। क्या करना है मुझे? डॉक्टर बनना। अरे इंसान बनना है, ये क्यों नहीं सोचते? एक नौकरी करना है। हम अपनी सोच को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ये प्रतिस्पर्धी वृत्ति दूर नहीं होगी, और जब तक ऐसा होगा मनुष्य इसी तरह तनाव में दबता रहेगा। सुमित कुमार जी जैन विदिशा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे YK जैन, डायरेक्टर SETI महाविद्यालय विदिशा। महाराज श्री के पापा चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मोक्ष गिफ्ट या लिफ्ट में नहीं मिलता, पर स्वयं में शिफ्ट होने पर मिल सकता है। हम कैसे सभी शिफ्ट हो पाए कि अपना जीवन
मोक्ष की ओर ले जाए। बिल्कुल, गिफ्ट और लिफ्ट से नहीं होता, लेकिन शिफ्ट करने से होता है, तो आपको पता ही है। तो शिफ्ट करने का जो मार्ग है वो बता लो तो काम हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं। आगे बोलिए। वाई के जैन जो डायरेक्टर हैं SATI के विदिशा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज अनामिका, हर्ष जैन जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, वे सब एक साथ पूरी टीम उनके साथ में तैयार रहेगी। बुद्धिश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार एवं संस्था परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं एक 64 वर्ष पुरानी तकनीकी शिक्षण संस्थान में संस्था संचालक के रूप में माइक अच्छे से पकड़ी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा आज का प्रश्न है, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को आचार्य भगवान का मार्गदर्शन भी प्राप्त रहा है। उनके दृष्टिकोण में शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं रहा बल्कि नैतिकता एवं नैतिक मूल्यों का विकास भी है, परंतु दुर्भाग्य से वर्तमान समय में समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। इसी संदर्भ में महाराज साहब, मेरा ये प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा नीति में ऐसा क्या समावेश किया जाए या छात्रों को ऐसी क्या शिक्षा दी जाए कि नैतिक मूल्यों में आई गिरावट में सुधार होकर के उच्च नैतिक मूल्य स्थापित हों, आगे चलकर ऐसे समाज का निर्माण हो सके जहां पर हम कह सकें कि हमारा उत्कृष्ट समाज है। देखिए, जब तक हम भारतीय शिक्षा के मूल तत्वों को आत्मसात नहीं करेंगे ये सवाल खड़ा रहे। हम लोग बातें करते हैं लेकिन वातावरण नहीं बना पाते। आज के समय में आप बुरा मत मानना, सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति उच्च शिक्षा संस्थानों की। आज पूरी सोच वेस्टर्न बनते जा रही है, और वहाँ जाने के बाद चाहे बच्चे हों या बच्चियाँ, जिस तरह की उन्मुक्तता का भाव उनके हृदय में प्रकट होने लगा है, ये बहुत गंभीर है। हमें चाहिए कि हम हर व्यक्ति के हृदय में गहरी सांस्कृतिक निष्ठा उत्पन्न करें, और जब सांस्कृतिक निष्ठा उत्पन्न होगी तभी वे अपने जीवन को सलामत बना पाएंगे। हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन मूलभूत जो सांस्कृतिक निष्ठा है उसकी उपेक्षा हो जाती है। इस निष्ठा को हम बरकरार रखें ताकि हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। नमस्ते। अगला, इसके बाद में मनोज जी, हर्ष जी और हसमुख जी गांधी, इनके साथ में आ जाएं। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा कोई भी प्रश्न नहीं है, एक बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। आज इंदौर जब पूरा चातुर्मास का श्रीफल भेंट करने आया, इसके पूर्व हमारे इंदौर के एक महान व्यक्तित्व आदरणीय पंडित जी रत्नाजी शास्त्री साहब ने भी निवेदन किया था कि मेरा महाराज के श्री चरणों में जरूर से नमोस्तु कर देना, और उनसे विशेष रूप से बोलना कि इंदौर आना ही है, मेरा अंतिम समय है, और इस समय यदि आपकी उपस्थिति वहाँ रही तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। गुरुदेव, ये आपके लिए एक विशेष रूप से निवेदन था, तो इसके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है महाराज जी? चलो जल्दी से, सवाल है तो निवेदन नहीं, सवाल केवल हसमुख जी गांधी हैं। हसमुख जी, हाँ, थोड़ा संक्षेप में कर ले तो अच्छा। गुरु, संक्षेप में इतना है गुरुवर कि ये जैन जो जैनिज्म है इसकी महत्ता बहुत थी, जैनियों की महत्ता बहुत थी, आज भी थोड़ी है, लेकिन जो आज संख्या बल की जो स्थिति है उस पर थोड़ा सा हमें निर्देश दीजिएगा कि संख्या के आधार पर हमारी थोड़ी सी कमी है आज, उस संख्या के बावजूद भी। देखिए, संख्या की कमी है तो उसका दो ही रास्ता है, या तो जैन बढ़ाओ या जैन बनाओ। बढ़ाने की फैक्ट्री तुम लोगों के पास है, वो हमारे पास नहीं है, तो वो आपको देखना है, संतति के विकास के लिए सोचना है, क्योंकि संतति के बिना संस्कृति आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब बनाने की बात है तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। जो भी कर्म से जैन बनना चाहे हृदय से स्वागत कीजिए, जैन धर्म अपने आप आ जाएगा। इंदौर चातुर्मास के लिए पंच बालेती में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी अभी नहीं, चिंतन बाकी वाला अपना एक जो है प्रस्तुति यहाँ पर दे रहा है, दे रहे हैं, जो बॉली बॉलीवुड के सिंगर हैं, वो एक छोटी सी प्रस्तुति तैयारी है। जब तक बहनों को बोलो, तब तक अपने बीच में आश्रम की, यहाँ इंदौर आश्रम से बहने हैं, सब बहने मिलकर एक प्रश्न कर लेंगे, प्रश्न ही करेगी, हाथ जोड़ के निवेदन कर लेगी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अनिल जी जैन जो बिहार की पूरी टीम है,
बिहार के आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इतनी भीषण गर्मी में भी अपने घर परिवार को छोड़कर वो यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे यानी सभी लोगों के माध्यम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे एक साथ और प्रश्न कर लेंगे अनिल जैन सागर उनकी तरफ से। चलो सागर गुरुवर नारा बोलो भारत सबसे प्यारा। विद्यासागर गुरुवर नारा बोलो भारत सबसे प्यारा। मिले शांति शांति सुख धारा, मिले शांति शांति सुख धारा, मिले शांति शांति सुख धारा, मिले शांति शांति सुख धारा। तुम्हें आना पड़ेगा इस देश में दोबारा, इस देश में दोबारा, इस देश में दोबारा। विद्यासागर गुरुवर नारा बोलो भारत सबसे प्यारा। थोड़ा ताली दोनों हाथ ऊपर उठा के आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। तालियां ना रुके, जो खड़े हैं वो भी अपने दोनों हाथ से अनुमोदना में जब। सत्य अहिंसा गीत सुनाए भारत की महिमा बतलाए, सत्य अहिंसा गीत सुनाए भारत की महिमा बतलाए। तू छोड़ विदेशी भाषा, तू छोड़ विदेशी भाषा, आइए तुम्हें आना पड़ेगा इस देश में दोबारा, इस देश में दोबारा, इस देश में दोबारा। विद्यासागर गुरुवर नारा बोलो भारत सबसे प्यारा। विद्यासागर गुरुवर नारा बोलो भारत सबसे प्यारा। बोले भारत माता की। एक बार और जोरदार जयकारा लगाएं। बोले भारत माता की। वंदे 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 जैन धर्म की। चलिए आगे जो है ना, बहुत ही अच्छा चिंतन भाई ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की। बिहार टीम जो पूरा बिहार का करा रही है, आगे भी कराएंगे, ऐसे हमेशा लगे रहते हैं। उनमें से अनिल जी जैन और साथ में ही रहेंगे, यदि शशांक भाई यहाँ पर उपस्थित हो सागर से, वे भी आ जाएंगे, उन्हीं के साथ में खड़े हो जाएंगे। शशांक जी अपने परिवार के साथ में आज उपस्थित है। ओ महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मनुष्यों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा जन्म से रोगी है, उसे ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे उसको बचपन का ये फल भोगना पड़ रहा है? ओ और देखो, अगर कोई जन्म से रोगी है तो निश्चित उसने अतीत में लोगों को सताया,
लोगों को प्रताड़ित किया है, हिंसा की, परेशान किया है, औरों का दमन और शोषण किया है, वो उसको भोग रहा है। आज कोई करेगा, आने वाले दिनों में उसे भी भोगना पड़ेगा, इसलिए अपने कृत्यों को सुधारना चाहिए। नमस्ते महाराज। विनोद जी किरण जी दोषी 52 गजा के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, और वे भी इंदौर से भी हैं, पूरा का पूरा उनके साथ में ही हैं, अशोक जी दोषी के भैया विनोद जी किरण दोषी, और फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश जी सिंगई, दिनेश जी झांझरी अपनी पूरी टीम के साथ में तैयार रहेंगे। हाँ बोले गुरुदेव, इंदौर की माँ अहिल्या की पावन नगरी के 50 लाख श्रेष्ठ जनों की ओर से आपको नमोस्तु। 7367 सवाल कर लो बस, निवेदन नहीं। हाँ निवेदन नहीं गुरुदेव, चातुर्मास हेतु निवेदन। उसके साथ गुरुदेव प्रश्न ये है, वर्तमान समय में एक सामाजिक सोच का बड़ा वर्तमान जो कार्यकर्ता है और जो हमारे पुराने समाज श्रेष्ठ के बीच में एक लंबी खाई होती जा रही है गुरुदेव, कोई भी वर्तमान में भी जो नया हमारा कार्यकर्ता या नया साथी या नया सामाजिक बंधु कार्य करना चाहता है और पूरी समाज को संज्ञान में लेकर कार्य करता है, उसके बाद में गुरुदेव यह प्रश्न आते हैं समाज के अंदर से, हमारे श्रेष्ठ जनों की ओर से, बड़े हमारे बड़े पदाधिकारी ओर से, क्या हम इसके नेतृत्व में काम करेंगे या हम इसके साथ जाना चाहेंगे, कृपया इसके अंदर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें गुरुदेव। मैं तो कहता हूँ एक सोच बदलनी चाहिए। मुझे एक बड़ी विसंगति दिखती है, आज हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं ना, घर में उनकी नहीं चल रही, उनके धंधे पर उनका नियंत्रण नहीं, सब बच्चों ने संभाल लिया, वहां उनकी चल नहीं पाती, सो बाहर चलाना चाहते, और वो आखिरी तक रिटायर नहीं होते तो नयों को मौका कैसे मिलेगा। तो मैं भी सोचता हूं कहीं तो चलने दो, अगर यहां भी नहीं चलेंगे तो कहां जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा है, जब से नई पीढ़ी ने व्यापार में अपनी अभिरुचि बढ़ाई और नए तरीके से व्यापार की, लोगों का व्यापार कई गुना बढ़ा है, अच्छी गति से बढ़ा है, सब ने प्रगति की है। तुम्हारे बच्चों ने व्यापारिक जगत में अपने आप को साबित किया है, तो तुम्हें चाहिए कि उन्हें समाज में आगे बढ़ाओ, ताकि वो समाज में भी अपने आप को साबित कर सके। लेकिन सबको अपनी कुर्सी प्यारी दिखती है, अरे हम इनको दे दे तो हमारा तो पत्ता ही साफ हो जाएगा, और मुझे डर लगता है कहीं वो डिप्रेशन के शिकार ना बन जाए, तो ये बड़ी दुविधा है। लेकिन नई सोच लेनी चाहिए। मैं एक संदेश आज के इस मंच से जरूर देना चाहूँगा, धर्म और समाज के क्षेत्र में अगर युवा जुड़े रहेंगे तो धर्म और समाज युवा बना रहेगा, और केवल बूढ़े रहेंगे तो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। इसलिए बूढ़ा नहीं मनाना, इसे जवान बनाए रखना है, तो जवानों को आगे लाना चाहिए, जवानों को आगे आना चाहिए। चलिए विनोद जी दोषी अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद महाराज जी को। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आपकी बात स्वच्छ मन से कर रहा हूँ। महाराज जी भगवान बाहुबली भगवान के पिता श्री आदिनाथ भगवान 52 गजा का मस्तकाभिषेक और पंच कल्याणक और जीर्णोद्धार, जिस भगवान बाहुबली का जिस तरह से हुआ महाराज जी, उसके उसी परिक्रम में हम चाहते हैं कि आपके सानिध्य में वहां का। बहुत 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 बढ़िया निवेदन हो गया। सवाल है तो जल्दी से करो, सवाल करो महाराज जी। अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज पेपर में पढ़ा था कि हर साल 30 करोड़ बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं, माता पिता उन्हें मोबाइल दे देते हैं और वो ऑनलाइन वो जो भी देखते हैं, उससे 30 करोड़ बच्चे हर साल यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं महाराज जी, इस पे आपकी। देखिए बहुत ही गंभीर बात है, अगर जो आपने कहा वो सत्य है कि विश्व में 30 करोड़ की भारत में 30 करोड़ विश्व में फिर भी बहुत बड़ा आंकड़ा। इसकी वजह में हमें जाना हो, जिस तरह की व्यवस्थाएँ आज बन रही है, मल्टीमीडिया लोगों के हाथों में है, और जिस तरह से हवस लोगों की बढ़ रही है, बहुत गंभीर और चिंतनीय है। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा अभियान चलाने की ज़रूरत है, जिससे लोगों के अंदर आध्यात्मिक चेतना जगे और नैतिकता का शंखनाद हो, तभी इससे बचा जा सके। नमस्ते। दोनों हाथ जोड़ लें, पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी अपनी शंका पूज्य महाराज श्री चरणों में रखकर हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहित करने का अवसर दें। पूज्य महाराज श्री जी
मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, बरसों पहले जिन्होंने दर्शन किए थे या बरसों से वे श्रावक जो आस्था और श्रद्धा से गुरु से जुड़े होते हैं और जब उनको दर्शन मिलता है तो बहुत अभिभूत हो जाते हैं और कुछ प्रश्न भी वो पूछते हैं कि महाराज हम तो आपको हमेशा याद करते हैं, जब से आप 10-20 वर्ष पहले आए थे तब हमने आपको जो अपने हृदय पटल पर बैठाया था, प्रतिदिन आपको स्मृति करते हैं, पूजन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तो क्या जैसे हम आपको याद करते हैं कभी आप भी हमें याद करते हैं कि नहीं हैं? यदि बार बार उनका प्रश्न होता है तो आप ही समाधान करते कि हम उन्हें याद करें तो हमारा भला है कि वो हमें याद करें तो उनका भला है, दोनों में किसको याद करें तो किसका भला है? कृपया समझा कर सबका। महाराज श्री ने आप सबकी ओर से बहुत अच्छा सवाल किया, एक पंक्ति में उत्तर दूंगा। तुम हमें याद करो तो वो तुम्हारी भक्ति है, तुम हमें याद करो तो ये तुम्हारी भक्ति है, हम तुम्हें याद करें तो ये हमारा मोह है। भक्ति में उधार है, मोह में बंटाधार, तो हम अपनी बंटाधार क्यों कराएं? और तुम क्यों चाहते हो कि हम तुम्हें याद करें? अरे हम अपने स्वरूप में बने रहेंगे तभी तुम हमें याद करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। अगर हम ही अपने स्वरूप से नीचे आ गए तो हमारी याद से तुम्हारा भी उद्धार नहीं होगा, दोनों का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए हमें बेड़ा पार करना है, बंटाधार नहीं, समझ लिए? इसलिए आप ही याद करो, हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप चाहते हो कि महाराज याद कर ले तो आप अपनी फाइल को अपडेट तो करा ही सकते हो, रिफ्रेश कर लो, बीच बीच में आ जाओ ताकि चीजें ताजी बनी रहे। हालांकि हम लोग प्रतिदिन संसार के सब प्राणी को से बात करते हैं, संसार के हर प्राणी से बात करते हैं और 3 बार करते हैं और सबसे क्षमा मांगते हैं, सबको क्षमा करते हैं कि भैया हमसे कोई गलती हो गई हो, हमारे मन से, हमारे वचनों से या हमारे शरीर से, तो हमें क्षमा करना और हम तुम्हें भी क्षमा करते हैं। इस अर्थ में देखा जाए तो एक बार तो याद सबकी हो ही जाती है। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम, जो लोग रह गए वे कल के लिए प्रतीक्षा करेंगे। कल भी शंका समाधान का कार्यक्रम होगा लेकिन यहाँ नहीं, पंच कल्याणक स्थल पर होगा। और आगे की जो सूचनाएं हैं आपको भी यहाँ ब्रह्मचारी अभय जी दे देंगे संक्षेप में, और आप सूचनाएं दीजिए, लोग सुन लेंगे, हम लोगों को जाने का रास्ता दे दें क्योंकि समय हो गया। बोले परम पूज्य मनी श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद शहर में 130 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है, 14 कॉलेज एवं 57 एकेडमिक डिपार्टमेंट के साथ TMU में वर्तमान समय में 1000 फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्र जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटर साइंस एवं IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स अकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैन छात्र छात्राओं हेतु जिनाले सुविधा उपलब्ध है। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% एवं छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 30% तक की छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विभिन्न प्रकार के